नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है योग विद डॉक्टर वर्दी में। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह वर्दी आज आपको कुछ अपने YouTube में एक नई वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये आज के इस महामारी के निमित्त सिर्फ कोरोना के लिए नहीं बल्कि दूसरी डिसीज के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए थोड़ा सा हम जानते हैं कि ये जो कोरोना वायरस ये है क्या। ये ऐसा वायरस है जिसके ऊपर की फैटी यानी कि चर्बी की एक परत होती है, और चर्बी जो है वो तीन किस्म से पिघलती है। कुछ होते हैं वाटर सोल्यूबल, उसको अगर पानी में घोल दिया जाए तो वो पानी में पिघल जाता है। कुछ होता है ऑयल सोल्यूबल, जो कि तेल में अगर उसे घोल दिया जाए तो वो कम हो जाता है। और कुछ होता है कि जैसे हीट यानी गर्म भाप या गर्म स्टीम या गर्म चीजें दें तो उससे वो पिघलती है। तो इसी के निमित्त में आज आप लोग को योग के जरिए आप कोरोना को कैसे रोक सकते हो। मैं ठीक होने की बात नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोरोना को रोक कैसे सकते हो, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। तो आइए पहले हम देखें कि इसके लक्षण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है। तो सबसे पहले ये होता है कि लॉस ऑफ स्मेल, आपको कोई भी दुर्गंध या सुगंध महसूस नहीं होगी। लॉस ऑफ टेस्ट, एक खट्टा को छोड़ के बाकी आपको किसी चीज का स्वाद नहीं आएगा। हाई ग्रेड टेम्परेचर, बुखार चढ़ता ही जाएगा, नॉर्मल से ये 100 से ऊपर बुखार चढ़ता ही जाएगा, खांसी भी होगी। और इन सब चीजों के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी ये कमजोरी दिन ब दिन गिरती जाएगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए आज मैं आप लोग को एक एक स्टेप के ऊपर मैं ये बताऊंगा कि योग की क्रिया के साथ इस बीमारी से हम कैसे लड़ें और हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा, आपको दवाइयाँ जरूरी लेनी है, दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह से लें, मैं आपको योग क्रिया बताऊंगा। तो आइए फर्स्ट स्टेप पे हम देखें। सबसे पहले ये जो वायरस है हमारे नाक में रहता है, और ये नाक में करीब करीब 12 से 14 घंटे तक रहता है। अब इस नाक के जो अंदर जो वायरस रहता है, अब उसको हम क्यों कहते हैं कि आप भाप लो, उस गर्माहट से ही आपके अंदर जो वायरस है, जो भी जर्म्स हैं, वो वहीं पर ही खत्म हो जाते हैं। उनकी शक्ति धीरे धीरे कम होती है, उनके ऊपर चिड़ी हुई जो परत होती है चर्बी की फैटी लेयर, वो धीरे धीरे पिघलने लगता है, और जो वायरस है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसलिए हो सके तो आप दिन में 3 टाइम जरूर भाप लिया करें। अब योगिक क्रिया करने से पहले आप अपने नाक में एक बूंद राइट साइड और एक बूंद लेफ्ट साइड कोई भी तेल, खास करके नारियल तेल या जो आप रोजाना यूज करते हो, उसे एक एक बूंद डालें। और फिर उसके बाद आप पहली क्रिया करें हाफ कपालभाति, यानी कि राइट नाक को बंद करिए, और जैसे हम कपालभाति के स्ट्रोक करते हैं ऐसे 15 स्ट्रोक करिए, फिर लेफ्ट नाक को बंद करिए और श्वास लेके ऐसे 15 स्ट्रोक करें, और 30 स्ट्रोक आप फुल कपालभाति करिए। तो 15 और 15 30 और 30 फुल कपालभाति, ये हो गया 60। 60 के आप 4 से 5 राउंड करें तो ये आपको बहुत फायदा देगा। दूसरी क्रिया है अलोम विलोम। अलोम विलोम के लिए कोई टाइम नहीं है, आप जितना टाइम अपने हिसाब से कर सकते हैं तो आप अलोम विलोम की क्रिया को जरूर करें, और ये बहुत ही फायदे होते हैं। पर इसमें थोड़ा ध्यान रखिए, अलोम विलोम में आप अपनी उंगलियों को बहुत तेजी से बदली ना करें। आप लेफ्ट से श्वास लें और लेफ्ट को पहले पूरी तरह से बंद करें, और फिर राइट से आप ब्रीथ को छोड़ें। राइट आपका सूर्य नाड़ी है, अब आप सूर्य नाड़ी से ब्रीथ दे रहे हो, आप सूर्य नाड़ी को बंद कर रहे हो और चंद्र नाड़ी से आप ब्रीथ को छोड़ रहे हो। तो ऐसे ही आप लगातार 2 से 5 मिनट तक करिए। फिर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज आती है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और वो है आपका वॉवल ए। तो आप पहले राइट नाक को बंद करिए और श्वास लेके ए, ऐसे आप राइट नाक को बंद करके 5 बार, लेफ्ट नाक को बंद करके 5 बार, और दोनों हाथों को नीचे करके 5 बार आप करिए।
ये आपका एक राउंड हो जाता है। और ये क्रिया शुरू करने से पहले आप गर्म पानी का भाप लें और तेल जरूर डालें, और क्रिया खत्म होने के बाद भी आप भाप जरूर लें और तेल डालें, तो डेफिनेटली आपको इससे बहुत राहत मिलेगी। और ये भी चीज है कि जो एलर्जी चीज हो जाती है किसी भी चीज की, चाहे डस्ट एलर्जी हो या कुछ भी हो, उसके लिए भी ये एक योग्य क्रिया फायदेमंद की। अब चलिए हम अपने दूसरे स्टेप में जाते हैं। वायरस अब आपके गले में आ गया, गले में जब आ जाए तो खराश शुरू हो जाती है, और इस खराश को मिटाने के लिए हम क्या करते हैं, गर्म पानी के गरारे करते हैं। उस गर्म पानी में आप थोड़ा सा नमक डाल लीजिए और गर्म पानी का भाप लीजिए, गरारे जितने कर सकते करिए, और गरारे करने के साथ साथ यहाँ पर आप 3-4 बार टाइम आप गरारे करिए, और भाप लेने के बाद आप योगी क्रिया है वो करिए। और यहाँ पर मैं आपको दवाई सजेस्ट तो नहीं करूंगा, पर ये कहूंगा कि आप अगर बुखार लगता है तो बुखार की कोई गोली लीजिए, विटामिन सी और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बी कॉम्प्लेक्स की गोली, और कोई एंटीबायोटिक हो तो वो आप अपने फैमिली डॉक्टर के सलाह से ही लीजिए, अपने आप मत कोई दवाई लीजिए। तो ये खास ध्यान रखिएगा। तो विटामिन सी के लिए आप आंवला ले सकते हो, नींबू ले सकते हो, पर विटामिन सी की गोलियां भी आती हैं जो 500 पावर के रहते, दिन में एक लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये काम देगा। अब इसमें योगी क्रिया क्या क्या करते हैं, हम सबसे पहले करते हैं सिंह मुद्रा। सिंह मुद्रा में आप पोजीशन में बैठिए या कुर्सी में बैठ के करिए, जुबान को आप जितने बाहर निकालेंगे और एक आवाज करेंगे तो एक खराश सी आपके गले में पैदा होगी। फिर है दूसरी उज्जवी प्राणायाम। उज्जवी प्राणायाम आप अपने जीभ को ऊपर, टंग को ऊपर टच करके गले में आप एक जैसे कि खराटे हम बरते हैं, एक वैसी ही आवाज हमारे इस उज्जवी प्राणायाम में आती है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण क्रिया है। फिर जलंधर बांध, यानी कि आप थायराइड को लॉक करते हैं, ये तो आप सबको क्रिया पता है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देखिए, आपको सब अलग अलग क्रिया मिलेंगी। अब आता है ब्रह्म श्वसन। ब्रह्म श्वसन में सबसे पहले आप अपने गर्दन को राइट साइड टर्न करें, यहाँ पर 2 ब्रीथ लें, फिर लेफ्ट साइड टर्न करें, फिर 2 ब्रीथ लें, फिर सामने गर्दन करें, 2 ब्रीथ लें, फिर ऊपर की ओर गर्दन करें, 2 ब्रीथ लें, और नीचे की ओर करें, 2 ब्रीथ लें। पर इसमें ध्यान रखिएगा, आपकी स्पाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, आप ऐसे बेंड होके नहीं बैठेंगे, सीधे होके बैठेंगे और सिर्फ गर्दन की ही आप मूवमेंट करेंगे। तो एक स्टेप में, एक राउंड में 5 स्टेप है, और 5 स्टेप में आप 2 ब्रीथ लेते हो तो 10 बार ब्रीथ होती है। तो अगर आपके पास वक्त है तो कम से कम आप इसे 10 राउंड करिए, अदरवाइज आप 5 राउंड भी करेंगे तो आपके लिए बहुत होगा। चलिए अब दूसरे स्टेज से हम तीसरी अवस्था में आते हैं। तीसरी अवस्था में खांसी शुरू हो जाती है, श्वास का फूलना शुरू हो जाता है। देखिए तापमान टेम्परेचर शरीर का चढ़ता रहेगा, वो किसी भी स्टेज में आएगा, चाहे पहली अवस्था हो, दूसरी अवस्था हो, पर तीसरी अवस्था में इसका तापमान का बढ़ना और ज्यादा होता है, श्वास का फूलना, खांसी, ये बहुत घबराहट सी होने लग जाती है, और ये 6 से 7 दिन तक हमारे छाती में रहता है, और गले के अंदर ये 3 से 4 दिन ध्यान रखिएगा, और नाक के अंदर 12 से 14 घंटे, यानी 3 अवस्था में 3-3 उसका वक्त है। तो कोशिश ये करिए कि जहां भी वो वायरस जाए उसके फैट्स को कम करें किसी भी हालत में, और तीनों अवस्था में आपको गर्म पानी के गरारे और भाप लेना जरूर है। चलिए अब तीसरी स्टेज में, जहां पर कि ये आप दवाइयां एंटीबायोटिक डॉक्टर की सलाह से, बुखार वगैरह हो तो आप वो भी दवाइयां सब लीजिए, पर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी और अपने डाइट के ऊपर कंट्रोल रखिए। पर ध्यान रखिए यहाँ पर आपकी ऑक्सीमीटर, जो ऑक्सीजन का लेवल है, वो 93 से कम नहीं आना चाहिए, अगर ये कम हो तो फिर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और ऐसी अवस्था में आप बिना हिचकिचाए जल्द से जल्द हॉस्पिटल में जाएं, जहाँ की ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है, ऑक्सीजन लें, और उसी वक्त आप अपने आप को कंट्रोल में करें, अपने डॉक्टरी खुद न करें, कुछ जानकारी डॉक्टर से भी लें,
आपके फैमिली डॉक्टरों या फिर गवर्नमेंट डॉक्टरों से ले। अब यहाँ पर जो योगिक क्रिया है, सबसे पहले है योगिक क्रिया जो कि लंग्स के लिए है, वो है डे ब्रीथ एक्सरसाइज। ये डे ब्रीथ एक्सरसाइज मेरे यूट्यूब के चैनल में Vlog No. 1, ध्यान रखिए Vlog No. 1 में ये क्रिया है। आप बिस्तर पे बैठ के भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे मेरे पेशेंट हैं जिनको कि मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ, और ये आप खड़े होके भी कर सकते हैं। राउंड आपके हिसाब से 5 से लेकर 7 राउंड करिए। फिर उसके बाद में अंतकुंभक। अंतकुंभक का मतलब है कि आप श्वास को लीजिए, 6 सेकंड अंदर रुकिए, और 6 सेकंड के बाद आप धीरे 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 श्वास को छोड़िए। फिर श्वास लीजिए, 10 सेकंड रुकिए, और फिर श्वास को छोड़िए। इसी हिसाब से आप 2 से 3 मिनट तक लगातार इसको करें। फिर है बाह्य कुंभक। श्वास को आप बाहर रोकना है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों अंतकुंभक और बाह्य कुंभक। फिर उसके बाद में आप श्वास लीजिए, नाक से श्वास लीजिए, और अपने गालों को फुलाइए, जितना फुला सकते अपने गालों को फुलाइए, और मुंह से ब्लो करते हुए, मुंह से फूंक मारते हुए आप अपने श्वास को छोड़िए। तो ये एक टाइम में कम से कम आप 20 से 25 बार करिए, तो बहुत पर धीरे धीरे करिए, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं करिए। और फिर उसके बाद जो दूसरी क्रिया है भस्त्रिका की। भस्त्रिका की क्रिया आप लोग भी देख सकते हैं यूट्यूब में कि किस हिसाब से भस्त्रिका की क्रिया हो सकती है। और थोड़ा ध्यान रहे, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट के पेशेंट हो वो भस्त्रिका क्रिया को ना करे तो बेहतर होगा। और फिर उसके बाद में श्वास प्रश्वास। श्वास प्रश्वास यानी कि आप नाक से श्वास लीजिए, इस हिसाब से आप श्वास प्रश्वास 2 से 3 मिनट तक करिए, पर आराम से करिए। जब श्वास प्रश्वास या डीप ब्रीथ की क्रिया करते हैं तो अपने शरीर के सारे मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए, शरीर को भी रिलैक्स रखिए, सिर्फ आप ध्यान रखें अपने श्वास के ऊपर। इन सब चीजों के बाद ये तो होगी 3 अवस्था। अब कुछ आसन, आप जानते हो ना कि हमारे पास जो आसन है वो 84 आसन के ऊपर है। उन 84 आसन से मैंने कुछ सिलेक्टेड आसन किए, मैं यहाँ आपको डेमो तो नहीं दिखाऊंगा, पर मेरे में इस वीडियो में मैं अपनी पिक्चर्स शेयर कर रहा हूँ, वो देखेगा। तो कुछ आसन है ताड़ासन, पश्चिमोत्तानासन, कैमल पोज, फिर उसके बाद में पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन, त्रिकोण आसन, धनुरासन, ऐसे मैंने 8 से 10 आसन चुने हुए हैं जो कि अगर आप करते हो तो बहुत ही आपको फायदा होगा। चलिए अब आसन को आप रोजाना एक आसन को अगर आप 5 से 6 बार करते हो तो अगर 4 आसन कोई एक खड़े होके, एक बैठ के, एक लेट के, एक सुपाइन में 4 आसन अगर आप करते तो एक वक्त में आपके 20 आसन हो जाते हैं। और जो 4 आसन है आप दूसरे दिन करिए, इस हिसाब से आप इस आसन को करते जाइए। आप कहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी नहीं बढ़ती, इम्यूनिटी के लिए हम क्या क्या नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं। कोई कहता है ये लो, कोई कहता है वो लो, कोई कहता है कि ऐसे करो। हम इन सब चीजों के करने के बावजूद भी एक चीज मैं आपको देता हूँ, जब आप इस बीमारी से थोड़ा सा बाहर आओ, जब इस बीमारी से आप क्योर हो, या आपको ये बीमारी न लगे, ये वायरस आपको न इफेक्ट करे, तो आप सूर्य नमस्कार, 1 राउंड सूर्य नमस्कार करिए, और 1 राउंड आप करिए डॉक्टर्स विद स्ट्रेचिंग करिए। ये मेरे यूट्यूब चैनल में आप जरूर देखिए। 1 राउंड आपके सूर्य नमस्कार, 1 राउंड स्ट्रेचिंग करिए, 1 राउंड सूर्य नमस्कार, 1 राउंड स्ट्रेचिंग करिए। इस हिसाब से आप 5 से 6 राउंड करिए और धीरे धीरे इस राउंड को बढ़ाते जाइए, ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। और साथ साथ में अगर हम देखें कि जहाँ पे हमें भोजन है वो ज्यादा करके सात्विक भोजन, हेल्दी भोजन, डाइट आपकी अच्छी हो। आप कोई भी काढ़ा पीजिए पर सोच समझ के लीजिएगा, 500 काढ़ा एक साथ मत पीजिए, कोई भी एक काढ़ा के ऊपर ध्यान रखिए। आप काढ़ा क्या होता है क्या नहीं है ये आप सब जानते हैं, तो बेहतर होगा कि आप इन सब चीजों को सोच समझ के इस्तेमाल करें। अपने मन की सुने, फॉलो वन हेट नन, ये ध्यान रखिए। रही बात है कि सोशल डिस्टेंस का होना बहुत जरूरी है, कोई भी इन्फेक्शन, सिर्फ ये कोरोना वायरस से कोई भी इन्फेक्शन के लिए आप सोशल डिस्टेंस रखिए। मुंह को हम कवर करते हैं ताकि जर्म्स वगैरह है वो अंदर न जाए,
फिर उसके बाद में आप जब बाहर जाते हो, आपको पता है कि आप मुझे बाहर जाना है तो कम से कम इतना वक्त लगेगा, तो जाने से पहले आप गर्म पानी से नहा के जाइए, स्टीम लेके जाइए, आपको 2, 4, 6, 8 घंटे। जब आप वापस आते हो तो फिर से आप गर्म पानी से नहाइए और भाप लीजिए, गर्म पानी पीजिए, कोई भी काढ़ा लीजिए। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि आप अपनी इम्यूनिटी के लिए विटामिन डी, और वो धूप में जरूर बैठे, धूप का सेक आप जरूर करें, और उसके साथ साथ में और जहां भी हो कि आपको जब लगे ये पूरी क्रिया होने के बाद, चाहे आप दोपहर को घर में हो या रात को जब आप सोते हो, तो नींद आपकी अच्छी नींद आनी चाहिए। और यहां पर एक बात आपको ये बताऊं कि जितना हो सकेगा तो आप कुछ वक्त के लिए ध्यान मुद्रा में बैठें और ईश्वर को स्मरण करते हुए आप अपने ब्रीथ के ऊपर ध्यान दें, ये एक मेडिटेशन है। चलिए, एक आखिर में जाने से पहले आप लोगों से एक बात कहूंगा, और वो है कि सोने से पहले जितना हो सकेगा आप भ्रमरी करें, भ्रमरी जरूर करें, 15 से 20 राउंड, 20 से 25 राउंड भ्रमरी करिए, और उसी वक्त आप सो जाइए। तो ये आपको मैं आज कोरोना वायरस जो है उसको आप दवाइयों के साथ साथ में अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट यानी योगिक ट्रीटमेंट के जरिए आप कैसे कर सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको ये पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी तो आप जरूर इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स दें, मेरे नोटिफिकेशन बेल में जाएं और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर वक्त एक नई वीडियो मिलती रहे। आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतजार होगा। दोस्तों, सिर्फ एक काम जरूर करिएगा, आज ये महामारी फैली है, हो सकेगा तो इसे जितने से जितने लोगों को आप पहुंचा सकते पहुंचाइए। शायद आपके एक वीडियो को शेयर करने से किसी की जान बच जाए तो वो बहुत एक बड़ी चीज हो जाती है, और मैं आशा करता हूं कि आप जरूर इस काम को मेरी मदद करेंगे। धन्यवाद।